हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का ये वीडियो, जिसमें आप करेंगे मेरे फ्रिज की एक छोटी सी टूर। इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन टिप्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा ये फ्रिज है डबल डोर का, LG ब्रांड का फ्रिज जो है 471 लीटर का। इस फ्रिज की पूरी डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की एंड में दे दूंगी। आप चाहे तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक कर ले। जब भी आप फ्रिज ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो याद रखिए, इसकी टॉप के ऊपर कभी भी कोई हेवी चीज या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज कभी ना रखें, इसे हमेशा खाली ही रखें। या फिर आपको फ्रिज ऐसा खाली पसंद ना हो तो आप कोई भी हल्का सा वेस या फिर फ्लावर पॉट वगैरह आप इसके ऊपर रख सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी हेवी नहीं होने चाहिए। कोई लाइट शोपीस आप इसके ऊपर रख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फ्रिज के फ्रीजर साइड से। तो मेरे फ्रिज पे ये जो फ्रीजर है ये ऊपर की साइड में है, कई सारे फ्रीजर में ये नीचे की साइड में होता है। फ्रीजर में मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, वो मैं ऊपर एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देती हूँ ताकि ये ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसी के साथ साथ कुछ घर पर बने आटे मैंने इसमें रखे हैं, जैसे कि चावल का आटा या फिर मूँग का आटा, जो मैं एक बार बना के रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रखा है। इसी के साथ साथ कुछ फ्रोजन पीस और कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे। सीजन वाइज फ्रिज में चीज़ें चेंज होती रहती है, कुछ ऐड भी हो जाती है। जैसे कि अभी ठंड का मौसम शुरू है, इसलिए आपको यहाँ आइसक्रीम या फिर कुछ फ्रोजन चीज़ें वगैरह नहीं देखने मिलेगी। ये जो नीचे का आइस ट्रे ये मूवेबल है, इसलिए चीज़ों के अकॉर्डिंग मैं इसे मूव करती रहती हूँ। जैसे जगह मिले ऐसे इसे मूव करके फिर इस तरीके के कंटेनर में यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। और इन दो कंटेनर में मैंने थोड़ा सा मैदा और बेसन भर के रखा है, जो हमेशा घर में ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ख़राब ना हो इसलिए मैं इसे इस तरीके से फ्रीजर में रख देती हूँ। अब आते हैं इसकी डोर साइड में। तो नीचे की शेल्फ में मैंने इस तरीके से सभी ड्राई मसाले रखे हैं। एक बार पैकिंग खोलने के बाद मैं इस तरीके से उन्हें रबर लगा के रख देती हूँ ताकि ये ओपन रहने के बाद इसमें जो भी मसाले की स्मेल है वो निकल ना जाए। इसी तरीके से ऊपर की शेल्फ में मैंने कुछ पैकिंग के मसाले, कुछ सेवैया वगैरह रखी है, और इसी के साथ में ये फिश मसाला और कुछ खसखस यानी कि पॉपे सीड्स यहाँ पर रखे हैं, जो बाहर रखने से बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाती है। तो फ्रिज की सबसे ऊपर वाली शेल्फ है ये, कुछ इस तरीके से स्लाइड होकर ओपन हो जाती है। इस पूरे शेल्फ में मैं सभी डेयरी प्रोडक्ट रख देती हूँ। इसी के साथ साथ कुछ स्प्रेड्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें रख देती हूँ। इसमें ये जो एक बटर बॉक्स है, इसमें जब भी मैं बटर बाज़ार से लाती हूँ तो कुछ क्यूब करके इसमें रख देती हूँ। इसी के साथ साथ कुछ पीनट बटर या फिर चीज़ क्यूब्स वगैरह इसमें रखे है। और ये एक कंटेनर है जिसमें मैं हमेशा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रख देती हूँ। कुछ स्वीट्स वगैरह बनाते वक्त ये इंस्टेंट यूज़ में आ जाता है। इसी के नीचे है दो एडजस्टेबल ग्लास ट्रेस, जो हमारे किसी भी बर्तन या फिर ट्रेस के अकॉर्डिंग मैं इसे एडजस्ट करती रहती हूँ। और ये शेल्फ और सभी प्रकार के ड्रावर ज़्यादा ख़राब ना हो इसी के लिए मैं इसके ऊपर इस तरीके के ट्रांसपेरेंट लाइनर्स या फिर आप जिसे फ्रिज मैट भी कहते हैं वो बिछा के रख देती हूँ। जब भी आपको फ्रिज लाइनर यूज करना हो तो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट लाइनर ही आप यूज़ करें। इससे फ्रिज में जो लाइट आती है वो अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र होती है और इससे फ्रिज दिखने में भी काफ़ी फ्रेश लगता है और अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरीके से दिखती है। यहाँ पे आप इसका डिफरेंस चेक कर सकते हो। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये काफ़ी हद तक खाली होता है ताकि जब भी मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ रखनी हो तो मैं इस सेक्शन में रख सकूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ लेफ्ट ओवर फूड या फिर दूध का बर्तन हमेशा रहता है। जब भी आप कोई चटनी या सब्जी वगैरह फ्रिज में रखना चाहते हो तो उसे हमेशा इस तरीके से कंटेनर में ढककर ही रखें ताकि इसकी जो स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है वो पूरे फ्रिज में
फैल ना जाए। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं लहसुन भी हमेशा छील के रख देती हूँ ताकि सब्ज़ी बनाते वक्त आसानी हो जाए, और इसे भी हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही भर के रखें ताकि लहसुन का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन, इसी ग्लास ट्रे को अटैच मैंने एक बास्केट लगा रखी है। इसमें मैंने एक वाइट कपड़े में इस तरीके से जो चाय में लेमन ग्रास डलता है वो मैंने कट करके रखा है। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल बास्केट में रख देती हूँ, तो इन बास्केट को इस तरीके से बहुत ही बढ़िया हैंडल्स होते हैं जिसे इन और आउट करना बहुत ही आसान होता है। तो इस सबसे पहले बास्केट में मैंने कुछ टमाटर्स रखे हैं। इस तरीके के बास्केट सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होते हैं। मैंने इन्हें ऑनलाइन ही मंगवाया था, तो इन सभी ऑर्गेनाइज़र के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो इस नेक्स्ट बॉक्स में मैंने कुछ कॉलीफ्लावर और कैबेज रखे हैं। जो हेवी वेजिटेबल्स होते हैं वो आप इस तरीके के बास्केट में रख सकते हो। नेक्स्ट है ये एक बहुत ही बढ़िया एक वेजी बॉक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं इस एक ही बॉक्स में तीन पार्टीशन की गई है। तो इस एक ही बॉक्स में मैं तीन चीज़ें रखती हूँ। एक ही बार अगर ये बॉक्स निकाला तो सब्जियों को जो जो लगता है तो एक ही बॉक्स में आ जाता है, सेपरेट तीन बॉक्स करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। शायद आपने नोटिस किया होगा कि मैं सब्जियां वगैरह रैप करने के लिए मैं पेपर का यूज़ नहीं करती, इस तरीके के जो सफ़ेद रुमाल होते हैं उसका यूज़ करती हूँ। इससे होता यह है कि जो पेपर के टॉवल होते हैं वो बहुत ही जल्दी गीले हो जाते हैं, उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है। इससे अच्छा कि इस तरीके के हम सफ़ेद रुमाल यूज़ करें, वो बार बार गीले नहीं होते और इसे वॉश करके हम फिर इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऊपर की तरह नीचे की शेल्फ में भी मैंने कुछ इस तरीके से इस बास्केट का यूज़ किया है, जिसमें मैंने कुछ अदरक धो के यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। इस बास्केट की ये बात बहुत ही अच्छी मुझे लगती है कि ये एक्सपांडेबल होते हैं, जैसी चीज़ें हमें रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपांड भी करके यूज़ कर सकते हैं। और इस नेक्स्ट बास्केट में मैंने कुछ लेमन्स रखे हैं। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है उसे मैंने कम हाइट का बना के रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का एक बॉक्स रखा है। हमारे घर में एक हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, तो इसे स्टोर करने के लिए मैंने ये एक बॉक्स ऑनलाइन परचेस किया था। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ मैं कुछ गाजर या फिर जो लंबी सब्जियाँ वगैरह होती है वो यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पास में ये जो ट्रे है उसमें मैंने कुछ साबुत दालें होती है जो ज़्यादा क्वांटिटी में मेरे घर में हमेशा रहती है, तो उसे मैं इस ट्रे में रख देती हूँ। और अब देखते हैं फ्रिज का सबसे लास्ट वाला ये ड्रॉअर, और ये है वेजिटेबल ड्रॉअर। और इसमें मैं सभी सब्जियाँ इस तरीके के ये जो कॉटन के बैग आते हैं उसमें रैप करके रख देती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी हम इसमें सब्जियाँ वगैरह रखते हैं तो हमें इसको एक्स्ट्रा पेपर में रैप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली ये कॉटन की बैग बने होने के कारण इसमें सब्जियाँ हमेशा फ्रेश रहती है, बिल्कुल भी गीली नहीं होती। और इन बैग्स में आप 1/2 kg से 1 kg तक की सब्जियाँ बहुत ही आराम से स्टोर करके रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो फल सब्जियाँ हैं वो नीचे और जो ग्रीन लीव्स हैं वो ऊपर मैं इस तरीके से बैग्स में रख देती हूँ। और अब देखते हैं फ्रिज की ये डोर साइड। सबसे ऊपर है ये एक ट्रे, उसके पास वाले ट्रे में है ये एक बास्केट जिसमें मैंने कुछ चॉकलेट्स रखे हैं, और इसके पास वाले बॉक्स में मैंने कॉफ़ी के पैकेट्स रखे हैं। एक बार खोलने के बाद अगर आप इसे बाहर रखो तो वो हार्ड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे हमेशा इस बॉक्स में रख देती हूँ। नीचे की शेल्फ में अगेन कुछ चॉकलेट के पैकेट्स, पापड़ और ये हॉर्लिक्स का कंटेनर। और इसके पास वाले ये जो शेल्फ है इसमें है कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, और ये छोटे से कंटेनर है जिसमें मैंने कुछ ड्राई पाउडर्स और केसर के छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं। ये जो छोटे कंटेनर है वो बहुत ही बढ़िया है, जो काफ़ी कम जगह लेते हैं, एक के ऊपर एक 2 से 3 बहुत ही इजीली बैठ जाते हैं। इसके नीचे वाले छोटे से शेल्फ में मैंने कुछ इमलीज और होममेड आटा रखा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन है बॉटल्स का, जिसमें आपको कुछ सॉस और जूस के बॉटल, दूध के बॉटल वगैरह मिलेंगे। इसके साथ साथ एक कंटेनर में मैंने ये जो सूजी है वो भून के रखी हुई है। ये जो 2 ग्रीन जार है ये मेरे सबसे फेवरेट है, इसमें मैंने सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट स्टोर करके रखे हैं। अच्छा इसलिए है क्योंकि इस एक ही जार में आप 3 टाइप के ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इजीली स्टोर करके रख सकते हो। जनरली अगर देखा जाए तो 3 ड्राई फ्रूट्स के लिए यहाँ पे आपको 3 सेपरेट कंटेनर लेने पड़ते, लेकिन इस एक ही कंटेनर में आप 3 टाइप के ड्राई फ्रूट्स बहुत ही इजीली स्टोर कर सकते हो। तो
तो तीन सेपरेट कंटेनर का काम ये बहुत ही बढ़िया एक ही कंटेनर कर लेता है और आपकी काफ़ी सारी जगह सेव करता है। और अब आते हैं इस फ्रिज के सबसे लास्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैदा, आटा या फिर होल धनिया या फिर डेसिकेटेड कोकोनट, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ऐसी चीज़ें जो एक बार पैकिंग खोलने के बाद बचे हुए मैंने इस तरीके के जिपलॉक बैग में पैक करके रखे हैं। इन सभी चीज़ों के लिए अगर मैं कोई कंटेनर यूज़ करती तो काफ़ी सारी जगह ऑक्यूपाई हो जाती, इसलिए मैंने इस तरीके के जिपलॉक बैग का यूज़ करके सभी जगह एक ही ड्रॉअर में रख दिए हैं। फ्रिज आपका छोटा हो या बड़ा, जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो उतने ही चीज़ें आप हमेशा फ्रिज में रखें। कई बार बाहर पड़ी हुई चीज़ें ख़राब ना हो जाए इसलिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। ऐसी चीज़ें कई महीने न चेक करने के बाद वो एक्सपायर हो जाती है, फूड ख़राब हो जाते हैं और इसकी एक बैड स्मेल पूरी फ्रिज में आ जाती है। तो ऐसा ना करें, जितनी चीज़ें चाहे उतनी ही आप परचेस करें और उतने ही फ्रिज में रखें। फ्रिज का जो डोर है वो ऑलमोस्ट आपको खाली ही दिखेगा। यहाँ पे एक से दो मैग्नेट और एक स्टिकी नोट मैंने लगवाया है, जहाँ पे मैं ग्रोसरी वगैरह ख़त्म होते ही इस स्टिकी नोट पे मैं नोट करके रख देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसमें से कौन सी टिप आपको यूजफुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।